योगी सरकार ने नवमी पर कैबिनेट बैठक में 9 बड़े फैसले किए। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ कर दिए गए। इसके लिए 30,729 करोड़ रुपए यूपी सरकार देगी। लघु और सीमांत किसानों को इससे फायदा होगा। अवैध बूचड़ खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन होगा। तीसरा, आलू किसानों को राहत के लिए कमेटी का गठन। चौथा, 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है, पिछली बार से 10 गुना ज्यादा है। एंटी रोमियो दल को उत्पीड़न की इजाजत नहीं। छठा, नई औद्योगिक नीति के लिए मंत्री समूह का गठन। सातवां, अवैध खनन पर रोक के लिए मंत्री समूह का गठन। आठवां, गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी। नौवां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए केंद्र का आभार। तो ये 9 बड़े फैसले हैं जिसे आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सबसे बड़ा मसला किसानों को लेकर था, जिस पर योगी सरकार ने कर्ज माफी वाले किसानों को कर्ज माफी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। करीब 2.5 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। 1 लाख तक का जो कर्ज था उसे माफ किया गया है, फसली ऋण जिसे कहते हैं। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड जो पहले दिन से ही तत्परता दिखा रहा था प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, उसकी भी सराहना की गई है। 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दाम होगा 1625 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा प्रति क्विंटल पर 10 रुपए माल ढुलाई के भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये जो निर्णय किया गया है ये लघु और सीमांत किसानों के विषय में है, और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। इस गत वर्ष के अंदर आप सबको पता है, सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आई, इससे काफी किसानों को नुकसान हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2,30,00,000 किसान हैं, जिसके अंदर 92.5% 2,30,00,000 जो किसान हैं, उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515 2,15,00,000 लघु और सीमांत किसान है। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739,00,000 रुपए की है, 30,729 crores, 30,3729 crores। फिर से रिपीट कर देता हूं, 30,729 crores। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक की उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। साथ ही साथ कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, उसकी संख्या बड़ी है, मगर उनको भी मुख्य धारा में लेकर वापस आना है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5,630 करोड़, 5,630 करोड़। और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने इसको माफ किया है, टोटल माफ की करा है। और ये पूरा जो लोन अमाउंट बनता है जिसको माफ किया है वो है 36359।
मैं टोटल कर दिया इसलिए आपको बता रहा हूं, 36359 करोड़। किसानों को आलू की बहुत दिक्कत रहती है, आलू की पैदावार बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में तीन लोगों की कमेटी बनी है जिसमें माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय दारा सिंह जी भी हैं। एक और सरकार ने अहम फैसला लिया है, कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें। बड़ी तादाद में जो आलू पैदा होता है और जो आलू की पैदावार में जो किसान का खर्चा होता है, तो अनेकों बार ये देखा गया है कि वो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो ये कमेटी अध्ययन करेगी कि उस आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से हम राहत दे सकते हैं। सरकार ने एक और अहम फैसला इसके साथ साथ लिया है कि जो एमएसपी है 1625 रुपए, वो तो उसको मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रत्येक टन पर 10 रुपए ढुलाई और लदाई भी किसान को दी जाएगी। तो ये अब तक के जो बड़े फैसले आपने सुने, यूपी सरकार के मंत्रियों ने फैसले का स्वागत करते हुए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कृषि क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए यह स्वर्णिम अक्षरों से दिन लिखा जाएगा। सरकार ने गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन करके, मैं समझता हूं रामनवमी के पूर्ण पूर्व जो पहला दिन है, कल रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रास्ते पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना के लिए सबकी खुशहाली के लिए सरकार ने आज निर्णय लिए हैं, उसकी अधिकतर जानकारी भी हमारे प्रवक्ता देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो ऋण माफी का सीमांत और लघु किसानों के लिए जो निर्णय आज का सरकार ने लिया है अभूतपूर्व है। गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद, आलू के किसानों के लिए आलू का जो उत्पादन करता है उनके लिए विशेष सुविधाओं की जो आज घोषणा हुई है, आज का दिन किसानों के नाम है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ करने का काम, और इतना भारी भरकम कर्ज माफ करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था कि मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में कर्ज माफी पर निर्णय लिया जाएगा, आज वो निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत बधाई। कितने लोग लाभार्थी होंगे इसमें, कितने किसान हैं? और इसमें देखिए, जो लघु और सीमांत कृषक हैं ऐसे सभी का कर्ज माफ करने के संबंध में सरकार का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के सभी सीमांत और लघु कृषक हैं, उनके ऋण 1 लाख तक के माफ कर दिए हैं। इससे लगभग उत्तर प्रदेश के 2,15,00,000 किसान लाभान्वित होंगे और बहुत बड़ा निर्णय है। उत्तर प्रदेश की जनमानस इसका इंतजार कर रहा था। और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जो स्लॉटर हाउसेज के बारे में चर्चा चल रही है, जो अवैध स्लॉटर हाउसेज उनके बारे में चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो अवैध स्लॉटर हाउसेज हैं उनको कतई नियम के विरुद्ध नहीं चलने दिया जाएगा, और जो वैध स्लॉटर हाउसेज हैं वो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करें और जनता के स्वार्थ से कतई खिलवाड़ न करें। तो जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबसे पहले सरकार ने गेहूं की खरीद पर जो फैसला लिया, इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी की, ये बहुत सारी चीजें हैं, 9 फैसले लिए हैं सरकार ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। हम सीधे रुख करते हैं विवेक का और समझते हैं उनसे कि किस तरीके से ये सारे फैसले लिए गए। विवेक, बताइए एक एक करके कि सरकार ने किन किन चीजों को ध्यान में रखा, किस किस को राहत मिली है और कितनी राहत मिली है।
देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है आज के लिए, क्योंकि 1 लाख रुपए तक के जो उनके कर्जे थे लघु और सीमांत किसानों के, जिनकी तादाद 2 करोड़ 15 लाख के आसपास है उत्तर प्रदेश में, उनको 1 लाख तक का जो उनका कर्ज था वो माफ कर दिया गया है और ये उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने कहा है कि वो बॉन्ड रेस करके इस फंड को जनरेट करेगी और बैंकों को इसका भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार चूंकि इसमें मदद नहीं कर सकती थी, और दूसरी दिक्कत यह भी है कि जो जीडीपी है उसका 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता है, और ये 36,000 करोड़ की रकम एक बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के लिए हो सकता था, इसलिए बॉन्ड रेज करके और किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया है इसके लिए, ये एक बड़ी बात है। और किसान राहत बॉन्ड ये रेज किया जाएगा, इससे ये सारा पैसा इकट्ठा करके बैंकों को चुकाया जाएगा। तो ये किसानों के लिए जो पहला वादा था, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट में हमारी सरकार जब बनेगी तो हम उसके कर्जे को माफ करेंगे, तो वो 1 लाख तक का कर्जा भी बड़ा अमाउंट होगा, 36,000 करोड़ के आसपास से पूरा हुआ। इसमें 7 लाख वो किसान भी हैं जो जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया था, यानी बिल्कुल वो दिवालिया हो गए थे, उनका भी जो कर्जा था वो भी काफी बड़ी रकम है, 5,600 करोड़ के आसपास वो रकम है, वो भी माफ किया गया है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर किसानों के लिए। दूसरा, जो सरकार ने गेहूं क्रय खरीद केंद्र 5,000 बनाए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये कहा है कि 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से सीधे खरीदा जाएगा 1625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, ये भी एक बड़ा फैसला है। आप मेरे को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल महज 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था किसानों से, और वो अमाउंट, वो वॉल्यूम अब बढ़ करके इस साल 80 लाख मीट्रिक टन होगा, और इसका सीधा पैसा जब किसानों के खातों में जाएगा तो निश्चित रूप से ये उनके बड़ी राहत की बात होगी। बाकी 7 फैसले और हैं, क्योंकि कल रामनवमी है, सरकार ने ये बताया है कि रामनवमी है और 9 फैसले उस हिसाब से सरकार ने बड़े लिए हैं। गाजीपुर में एक स्टेडियम है जिस पर 200 करोड़ का कुल खर्च आ रहा है, उसकी बात कही गई, और अवैध खनन, अवैध बूचड़खानों और एंटी रूमी स्क्वाड को लेकर भी फैसले किए गए हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला है वो किसानों की कर्ज माफी का है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। विवेक, एक मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका जब जनधन खाते खुल रहे थे, मैं खुद भी फील्ड में था चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे खाते नहीं खुल पाए, सरकार जो भी बने खातों में जब पैसा ट्रांसफर होता है हमें दिक्कत है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो पैसा सरकार कह रही है कि उन किसानों के खातों में ही सीधे ट्रांसफर होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हों जो इस काम में मतलब उनको दिक्कत आए, या फिर जो गेहूं खरीद की बात है जो उसमें पैसा किसानों के खाते में डालने की बात है, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ किसान दिक्कत में आए। देखिए शेखर, जो किसान है जिनका कर्जा माफ किया गया है, उन्होंने बैंक से ही कर्जा लिया है, तो जाहिर बात है कि उनका अकाउंट होगा ही होगा, और जो कर्जा लिया गया वो सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब यह हुआ कि बैंक में उनका अकाउंट होता है तभी वो क्रेडिट कार्ड बनता है, इसलिए उनके खातों में पैसा पहुंचने में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, गेहूं खरीद की जहां तक बात है, बहुत सारे खाते खुलवाए गए हैं, और चूंकि अभी ये गेहूं खरीद का सिलसिला 1 महीने के आसपास तक चलता है, इसलिए जिनके खाते अगर नहीं है तो वो खाते खुलवा भी सकते हैं, क्योंकि पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। सरकार ये चाहती है कि पैसा बिचौलियों के माध्यम से किसानों तक ना जाए, क्योंकि पहले होता ये था कि 1600 या 1525 रुपये पिछली बार समर्थन मूल्य था गेहूं खरीद का, और किसानों से जो बिचौलिए होते थे वो 800-900 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद लेते थे, उनको डरा धमका के या उनको मजबूर करके, और फिर वो पैसा बीज का 400-500 रुपये प्रति क्विंटल का वो खुद उनको मिल जाता था, और वो पैसा वही गेहूं वो सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर के बेच देते थे। तो बीज का बहुत नुकसान किसानों को होता था, लिहाजा ये किसानों को भी समझना चाहिए कि अगर वो अपने खातों को सरकार तक उसकी जानकारी देंगे और उनके खातों में सीधे पैसा आएगा तो वो अमाउंट ज़्यादा होगा और उनका ज़्यादा फायदा होगा। बहरहाल अभी तक सरकार ये समझ के चल रही है कि ज्यादातर किसान बिल्कुल कर्ज लेते हैं। विवेक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इधर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों के लोन क्यों नहीं माफ किए गए। मैं तो कहीं सुन रहा था यार, नौमी है तो 9 फैसले लिए, अगर पूर्णमासी होती हमारे कल 30 फैसले लेते तो पूर्णमासी करते तो कम से कम लगता नई सरकार बनी तो उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए फैसले लिए, और फैसले ऐसे हास्यास्पद हैं। तो मैं कहूँगा, क्या योगी जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि अधिकारियों पर कहने पर न चलें, अगर जनता के कहने पर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। चुनाव में सभी किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात की थी, ये ठीक है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लघु सीमांत लिख दिया, लेकिन मंच पर तो भाषण होते थे सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे,
अब उन्होंने लघु सीमांत उसमें भी सुना संचित असंचित किए हैं, 1 लाख तक की कर दी है, 1 साल पीछे मार्च 2016 तक के करें, मार्च 2017 तक के क्यों नहीं करें। तो ये तो एक तरीके वैसे हो गए जैसे मोदी जी लोकसभा के चुनाव में कहते थे 15 लाख रुपए सबके खाते में जमा हो जाएंगे, काला धन सारा वापस आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि भाजपा के लोग इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।